मैं फ्लाइंग कर पाता हूँ तो ही मैं टीम को संभाल पाता हूँ। मैं एकदम ऐसे एक जगह पे या फिर कुछ एरिया में बैठ करके कंपोज होके नहीं खेल सकता, बस ये वो मैं सीख रहा हूँ और वो बहुत जरूरी भी है एक्चुअली, वो बहुत जरूरी भी है भाई। देखो मैंने इतना मुझे लगा है कि 3 से 4 तरीके होते हैं कोई भी टीम जो होती है वो जीतती है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया, एक अग्रेसिव, एक होता है पैसिव, एक होता है मीडियम। सो टीम सोलिस अभी पैसिव थी लेकिन वो अग्रेसिव अभी भी, अभी इसमें पीएमपीएल में भी अभी अग्रेसिव नहीं है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। हम लोग अभी भी पैसिव है, हम पैसिव ही खेलने वाले हैं क्योंकि टूर्नामेंट में पैसिव सब लोग ही खेलते, अग्रेसिव टीम भी। लेकिन मेरा ऐसा ऐसा सीन है कि जब आप कस्टम स्क्रेम्स में अगर अग्रेसिव नहीं खेलोगे तो यू यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, आप सीख नहीं पाओगे। 1v1 फाइट में आप गिर जाओगे जब तक आपने आपने देखा ही नहीं कि नहीं क्या चल रहा है, समझ रहे हो? आपने देखा ही नहीं कम्युनिटी में लोग कैसे मार रहे, कैसे कुछ नई टिप्स आई है क्राउच की कोई। आज पहले देखो शुरुआत में आए थे जब क्राउच करते थे लोग सब, सिर्फ क्राउच, फिर थोड़ी देर थोड़े टाइम बाद चाइनीज से देख करके प्रोन होना सीखे, जा रहे हैं रनिंग में या फिर एकदम से प्रोन हो गए। फिर आजकल जॉनथन ने जो नई टिक निकाली है जिगल वाली, जो अपने इंडियन कम्युनिटी में बहुत, उससे ही सब लोग सीखे हैं मोस्टली। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे बहुत मतलब जॉनथन ने फास्ट जिगल वाली ट्रिक्स निकाली है, जिगल वाली बहुत पहले से ही करते थे, बहुत 2 फिंगर ऑलमोस्ट सारे जिगल ही करते थे। उसके बाद अभी ये थोड़ी फेमस हो गई फास्ट जिगल वाली ट्रिक, अभी वो फिर से डाउन हो रही है क्योंकि अभी सबको पता है कि हेड पे एम करो जो भी जिगल कर रहा है, दैट्स इट, एक हेड पड़ गया खत्म है जिगल वाला, सब क्लोज रेंज वही, अब सीधा दिमाग का हो गया। फिर थोड़ा टाइम पहले कोई जायरो यूज नहीं करता था, अभी सब जायरो। तो सब हर अगर आप अपन फाइट अगर तरीके से नहीं लेंगे ना तो अपन को समझेगा ही नहीं कि इस बंदे को कैसे हैंडल करना है, समझ रहे हो? तो मैं मानता हूँ टूर्नामेंट्स में आप खेलो, टूर्नामेंट्स में जितना हो सके उतना आप पैसिव खेलो, इट्स फाइन। लेकिन वो पैसिव खेलने के लिए आपको फाइट लेना आना चाहिए, अगर आप फाइट नहीं लोगे, आप एंगल्स नहीं क्रिएट करोगे तो दे विल किल यू। ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता है ब्रो, ये ट्रेनिंग मोड इज लाइक जस्ट आप सुबह उठे हो और आपको थोड़ा सा हाथ जमाना है, देन यू गो फॉर द ट्रेनिंग मोड, दैट्स इट। पैसिव खेलना बहुत जरूरी है। मैं फर्स्ट टाइम मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं सोल में आने के बाद इतना कुछ सीखा हूँ ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब ये लोग क्या ही सरवाइव करते हैं, कोई मजाक है क्या? इम्पॉसिबल है ब्रो, जैसा ये लोग सरवाइव करते ना, मैं तो सोचा भी नहीं भाई। नेक्स्ट लेवल दिमाग लगाते, नेक्स्ट लेवल। और वो बहुत अच्छी बात है कि मैं ऐसी टीम में हूँ जिसके पास इतने ब्रिलियंट माइंड्स है, रेगल्टॉस मॉर्टल क्या ही दिमाग लगाते, आप भी देखते ही हो ना। बट मेरा जो प्रैक्टिस का तरीका है ना वो बहुत अलग है, प्रैक्टिस ऐसी चाहिए कि मतलब खतरनाक, और उसके बाद वो दिमाग लगेगा। आप सोचो आप है ना 1v1 में कभी गिर ही नहीं रहे हो, आपके पास आपको सब पता है क्या होने वाला है, तो फिर उसके बाद इतना ब्रिलियंट माइंड लगेगा तो सोचो कि क्या होगा क्या, समझ रहे हो? तो स्क्रिम्स में जितना हो सके इतना फाइट लो, इफ यू गो फॉर द पोजीशन तो वहां पे एक तो आपका वो भी डाउन होगा, क्या कहते हैं उसको, हाँ क्या कहते हैं इसको, अरे क्या हो गया भाई वर्ड ही भूल गया जो बोल रहा था, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भूल गया, कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा क्योंकि आप स्क्रीन से पिट रहे हो, आप हर किसी स्क्वाड से पिट रहे हो, आप हर कोई गेम चिकन मुश्किल से निकाल पा रहे हो, आपकी पोजीशन नहीं आ रही, क्विकल्स नहीं आ रहे, आपके पॉइंट्स कम आ रहे, तो ऑफ कोर्स आप गिरोगे जितना ज़्यादा तो इतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा कि यार ये क्या ही हो रहा है, समझ रहे हो? भाई मैं बहुत कुछ सीखा हूँ बट मैं थोड़ा सा दिक्कत हमको इसलिए इसी में ही आ रहा है, लेकिन आई थिंक दिक्कत मेरे को इसी में ही आ रहा है कि थोड़ा एक बार हमारा कोऑर्डिनेशन एक बार अच्छे से बैठ गया सोल के साथ, देन आप देखो बस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट है अभी हमारे पैसिवनेस में कि कैसे हमको हैंडल करना है सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट है मुझे ऐसा लगता है। पीएमपीएल आईजीएल कौन करेगा, मॉर्टल एंड रेगल्टॉस एंड सांगवान, मोस्टली इन तीनों में से स्विचेस स्विच होगा डिपेंडिंग अपॉन मैप्स एंड सिचुएशन, जैसा भी किसका दिमाग कितना चल रहा है, तो इन ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा होता है कि अगर तेने कॉल दी थी तो वो चीज़ का थोड़ा हमको देखना ही होता है, बट मोस्टली आईजीएल इज मॉर्टल एंड फिल्टर इज रेकल्टॉस एंड सांगवान इज असॉल्टर। पीएमपीएल
पीएमसीओ विन कोई भी कर सक पीएमपीएल कोई भी जीत सकता है, ऐसा नहीं है। किसी भी टीम, सारी टीम्स खतरनाक खेलती है। सोया कोई भी खेल सकता है। अभी जितना भी है हमको पैसिव पे ही पूरा फोकस करना है, क्योंकि जितना हम पैसिव खेलेंगे उतना हमारा पोजीशन और किल्स निकलेगा। इफ़ यू गो फॉर द अग्रेसिव ना, तो क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए और 7 दिन में इतना सब नहीं होता गाइस। मेरी ड्रीम ड्रीम है जो अभी मेरे पास है ना, वही मेरी ड्रीम ड्रीम है। ड्रीम ड्रीम मेरी यही है जिसमें मैं हूँ, वो वाली ड्रीम ड्रीम। एक बंदे की जरूर मुझे याद आती है, वो है स्लेयर। स्लेयर भी इसमें बहुत जरूरी इस टीम, बिकॉज स्लेयर नोज एवरीथिंग हाउ टू टर्न एनी टीम इनटू पैसिव टू अग्रेसिव। वो बंदा भाई उसमें बहुत दिमाग है।